हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे तत्सम और तद्भव का तीसरा भाग। इससे पहले आपको दो वीडियो मिल चुकी हैं और एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं और उसके कुछ भेद पड़े थे। उसके बाद हमने जो आ से लेकर और पूरे ओ तक जितने स्वरों से मिलकर तत्सम और तद्भव बने होते हैं उन सबको लिया था, और नेक्स्ट वीडियो में हमने लिया था क से लेकर छ तक के व्यंजनों से मिलकर बने हुए तत्सम और तद्भव शब्द। आज हम करेंगे ज, जो जा से जग होता है, उससे लेकर प तक के जितने भी व्यंजनों से मिलकर तत्सम और तद्भव। लगभग इस वीडियो में आपको 100 तक के तत्सम और तद्भव जितने शब्द बनते हैं, ज से लेकर प तक के व्यंजनों से मिलकर या वर्णों से मिलकर जितने भी शब्द होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे अलग दो या एक वीडियो मिलेगा जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन तत्सम और तद्भव का। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये 3-4 जो वीडियो होंगी इसमें लगभग आपके 500 शब्द कवर हो जाएंगे जो तत्सम और तद्भव से बनते हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज से लेकर प तक के वर्णों से बने हुए शब्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज, जग से लेकर प, पतंग तक जितने भी शब्द बनते हैं तत्सम और तद्भव के, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको 500 शब्द, 500 वर्ड का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा इन वीडियोस के थ्रू। तत्सम और तद्भव आप कवर कर सकते हैं। ज, जन, हमने क्या पढ़ा था, तत्सम और तद्भव शब्द में जो मेन डिफरेंस होता है या ट्रिक कह सकते हैं उसको, या थोड़ा सा हिंट या क्लू कह सकते हैं, कि जितने भी आधे वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर न जो है वो आधा है, इसीलिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये तत्सम रूप है शब्द का। फिर ये वाला अक्ष, ये वाला हमने पढ़ा था कि ये तत्सम में मिलता है। फिर इसका क्या बन जाता है, छ बन जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी र होते हैं, इस टाइप के जो र होते हैं, ये क्या होते हैं, तत्सम रूप होते हैं शब्दों का। जन्म ऐसे लिखा जाता है तत्सम में, और जन्म हो जाता है तद्भव रूप। जमाता, जमाई, जमात्र को जमाई बोलते हैं। इन दोनों शब्दों में डिफ्रेंशिएट करिएगा, जमाता जमाई होता है और जमात्र जमाई होता है। जीर्ण, चीना, जुष्ट, झूठा, जर्मबिका, ये आता है जर्मबिका, इसको जमाई बोला जाता है। जीवा को जीव बोला जाता है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो इजी सा है और सबको पता भी होगा। ज्योति, ज्योत, झंकार, झंकार, झटीती, झट, डाकिनी, डाइन, तड़ाग, तालाब, तालाब का जो तत्सम रूप होता है वो क्या है, तड़ाग। तपस्वी, तपसी, तरकन, तांकना, तखरी, तरवारी है ये, तखरी नहीं है, तरवारी, र और व, तरवारी, तलवार। ताम्र को तांबा, अभी हम इसका जो रूप लेते हैं वो तद्भव रूप बोला जाता है, तांबा बोलते हैं, ताम्र नहीं बोलते हैं। लेकिन जब भी आपने हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी या कोई भी एनी आपने बुक पढ़ी है तो उसमें ताम्र युग लिखा होता है या ताम्र ये लिखा होता है, ताम्र धातु के बर्तन, ठीक है। तो ताम्र एक तत्सम रूप है शब्द का। यहाँ पे देखिए, तीतिरी, तीतर, तिथि वार को त्योहार अब बोला जाता है। तीर्थ, तीरथ, तीर्थ पहले बोला जाता था, तत्सम रूप है, तीर्थ अब का रूप है तद्भव का। तृण, तिनका, त्वरित, तुरंत, दंड, दंड को डंडा बोला जाता है। दत्त धावन, दंत धावन, दातुन, दंश, डंका, दृष्टा, दाढ़, दक्षिण, दाहिना, दक्षिण को क्या बोला जाता है, दाहिना, दधी, दही, दशम, दसवां, दी, दिया, दुख, दुख। दुख और दुख में क्या डिफरेंस है, देखिए ये वाला जो दुख है यहाँ पर आपको हलंत मिलेंगे, इसको हम हलंत बोलते हैं। अगर ये वाली चीज आपको कहीं वर्ड में मिलती है, ये वाली, ये बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं, हलंत नहीं बोलते, सॉरी विसर्ग बोलते हैं, हलंत नहीं होगा। विसर्ग अगर किसी शब्द में लगा मिलता है तो वो क्या होगा, वो तत्सम रूप होगा, और दुख इसका तद्भव रूप होगा। दीप शलाका, दिया सलाई, दिशांतर, दिशावार, दीपावली, दिवाली, अब क्या बोला जाता है, दिवाली बोला जाता है, दीपावली नहीं, हैप्पी दिवाली अभी अभी गई है। और आपको पता भी होगा कि अगर कहीं पे भी आप सर्च करोगे, गूगल में भी डालोगे तो दिवाली लिखा आएगा। दिवाली क्या है, तद्भव रूप है, और दीपावली क्या है, एक तत्सम रूप है। दुर्बल, दुर्बला, दुर्वा, दूब, देव, दई, द्वित्या, दूज, द्वित्य, ईजा, द्विपट, दुपट्टा, द्विप्रहरी, दुपहरी, द्विवर, देवर, द्विसर्त, दूसरा, धर्म, धर्म। इस धर्म और इस धर्म में क्या अंतर है, यहाँ पर जो र है वो देखिए म के ऊपर लगा हुआ, और यहाँ पर र है वो अलग से लिखा हुआ है। तो धर्म, यहाँ पर धर्म, ये धर्म। धनी का, धनिया, दारित्री,
दरिद्री धरती, धान्य धान, धूम्र धुआं, धूम धुआं, जैसे हमने पढ़ा था ना कूप कुआं, ऐसे धूम्र धुआं, धूम धुआं, धूल धूली धूरी, धूली धूल धूली। यहाँ पे देखिए ये छोटी ए की मात्रा अगर आती है धूली में तो ये दूरी होता है धूरी, और ये अगर बड़ी के आता है तो धूल होगा। दृष्ट ढीठ, नकुल नेवला, नक्र नाक, नक्षत्र नखत, नंदुपति नंदोई, नप्रत नाती, नवती नब्बे, नवनवती निन्यानवे, नवीन नया, नव्य नया, नस्ता नात, नापित नाई, नारिकेल नारियल, निद्रा नींद, निम्ब नीम, निम्बक नींबू, निर्गलन निगलना, निद्र निदर निडर, निवहन निभाना, निर्वाह निवाह। देखिए ये र जितने भी मिलेंगे आपको सारे ये तत्सम रूप है, सारा तत्सम रूप होता है ये। फिर यहाँ पे देखिए निर्वाह निवाह, निष्ठुर, यहाँ पे देखो षटकोण वाला शह हम पता लगा लेंगे तो निठुर होता है नीचे, अब ये विसर्ग आ गया तो नीचे नीचे, निश्चय नीचा, नृत नाच। प वाले शब्द देखिए पंक्ति पंगत, पंचदश पंद्रह, पक्ष पंख, पटल पलड़ा, पठ पढ़, पहले जो तत्सम रूप था पट था अब है पढ़, पत्र पत्ता, पद पैर, पन्नेशालिक पंसारी, परक परसों, परसव भी परसों, ये परक है पर्रव नहीं है, ये परक है परक परसों, परसव परसों, परीक्षा परक, परीक्षा परीक्षा। अब यहाँ पर जो ये अक्ष है इसका परिवर्तन हो गया छ में, परीक्षा प्रण परा, परपट पापड़ पराठा, पर्य पलंग, पल्लव पल्ला, पाद पांव, पितृ स्वशा बुआ, और पिपासा प्यास। पिपासा तो बहुत बार पूछा जाता है, पिपासा प्यास होता है। तो ये लगभग आपको अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 15 6 जन 90 अबव यहाँ से वर्ड आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हमने सिर्फ ज से लेकर पा तक के किए हैं। आगे की वीडियो में हम फ या प के कुछ रिमेनिंग वर्ड रहते हैं, अभी प वर्ण से बनने वाले कुछ तत्सम और तद्भव शब्द अभी बचे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।